رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. صدق الله العظيم. कल अल्हम्दुलिल्लाह सूरत तत्फीफ हमारी मुकम्मल हो गई थी, आज सूरत इंशिकाक से दर्स हो रहा है। सूरत इंशिकाक का मज़मून ये भी आखरत के मुतालिक ही है और इसमें भी अल्लाह तबारक व ताला ने मैदान महशर में इंसानों की अल्लाह के दरबार में जो हाज़िरी होगी वो किस तरीके से होगी, उसका क्या मंज़र होगा, उसको बिल्कुल इस तरह बयान किया है जैसे सब कुछ सामने हो रहा हो। इस अंदाज से अल्लाह ताला ने बयान किया, एक नए उसलूब और नए अंदाज से इस बात को अल्लाह ताला ने समझाया है। हमारा परवरदिगार कितना करीम है, कितना मेहरबान है और किस तरीके से प्यार और मोहब्बत के साथ हमें बार बार समझा रहा है कि इंसानों गफलत को छोड़ो और आ जाओ अपने रब की तरफ, अपने रब को मनवाने में लग जाओ, अपने रब को राज़ी करने में लग जाओ, उसकी नाराज़गी से बचो। बार बार समझा रहा है एक ही बात को मुख्तलिफ अंदाज से, नए नए अंदाज से, नए नए उसलूब से अल्लाह ताला समझा रहे हैं। चुनाचे इस सूरत में अल्लाह फरमाते हैं इदस समाउ शक्कत, इदस समाउ इदा, जिस वक्त अस्समाउ आसमान इनशक्कत फट जाएगा। लोगों उस वक्त को याद करो जिस वक्त आसमान फट जाएगा। इस बात को भूलना नहीं, यह आसमान हमेशा इसी तरह नहीं रहेगा जिस तरह इस वक्त तुम देख रहे हो कि इसमें कोई दरार नहीं है, कोई फटन नहीं है, कोई शिगाफ नहीं है, कोई सुराख इसके अंदर नहीं है। ये हमेशा ऐसे नहीं रहेगा बल्कि इसमें तब्दीली आएगी, इसमें तगैयुर होगा और एक दिन आएगा ये फट जाएगा और वो दिन होगा जिस दिन सूर के अंदर फूंका जाएगा। जिस दिन इसराफील अलैहि सलातो वसलाम सूर में फूकेंगे और आसमान फट जाएगा, ज़मीन भी फट जाएगी, पहाड़ रेजा रेजा हो जाएंगे। इसी तरीके से हम पीछे पढ़ कर आए चाँद सूरज सितारे ये भी सब के सब बेनूर हो जाएंगे और बेनूर होकर ये भी गिर पड़ेंगे, ये भी टूट फूट जाएंगे, पूरी कायनात का निज़ाम दरहम भरहम हो जाएगा और फिर उसके बाद तुम्हें रब की अदालत में हाजिर होना होगा। इज़ समाउ शक्कत, जिस वक्त आसमान फट जाएगा, व अज़ीनत लिरब्बिहा, और वो अपने रब का हुक्म सुन लेगा, व अज़ीनत लिरब्बिहा, और वो सुन लेगा लिरब्बिहा अपने रब के हुक्म को। हर एक चीज़ अल्लाह के हुक्म के मातहत है और हर एक चीज़ के अंदर अल्लाह ने सुनने की सलाहियत भी रखी है, बोलने की सलाहियत भी रखी है। अब ये है कि हमारे सामने कुछ चीज़ें हैं जो सुनती हैं और कुछ चीज़ें हैं जो नहीं सुनती हैं हमारे एतबार से, लेकिन अल्लाह ने हर एक चीज़ में सुनने की भी सलाहियत रखी है और हर एक चीज़ के अंदर बोलने की भी सलाहियत रखी है। कभी कभी अल्लाह ताला किसी चीज़ को बुलवा भी देता है, कभी अल्लाह ताला किसी चीज़ को हमारे सामने सुनवा भी देता है। एक सहाबी बयान करते हैं रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मैदान में थे, आपको कज़ाए हाजत का तकाजा हुआ, आपने देखा वहाँ पर झाड़ियाँ वगैरह नहीं हैं कि जहाँ पर आप कज़ाए हाजत के लिए पर्दा हासिल कर सकें, तो देखा आपने कि मैदान के इस किनारे पर एक दरख्त है, एक दरख्त उस किनारे पर है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस किनारे पर तशरीफ़ ले गए उस दरख्त के पास, उस दरख्त की एक टहनी को पकड़ा। सहाबी कहते हैं बिल्कुल इस तरीके से पकड़ा जिस तरह कान से किसी चीज़ को पकड़ा जाता है, इस तरह पकड़ कर आपने उसको कुछ कहा, बस वो दरख्त आपके साथ साथ चलने लगा, बीच में लाकर आपने उसको खड़ा कर दिया। उसके बाद उधर से दूसरा दरख्त जो था उसको भी इसी तरह उसकी एक शाख को पकड़ा, वो भी आ गया। अब ये दोनों इकट्ठे हो गए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों के बीच में आ गए, दोनों दरख्तों ने अपनी शाखों को झुका दिया, पर्दा हो गया, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कज़ाए हाजत से फारिग हुए। उसके बाद ये दोनों दरख्त वहां से चले और अपनी अपनी जगह पर जाकर खड़े हो गए। ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजजा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में खुतबा देते हैं, पहले मिंबर नहीं बना हुआ था,
एक सुतून था खजूर के सूखे तने का, उसके साथ खड़े होकर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा इरशाद फरमाया करते थे। जब मिंबर तैयार हो गया, जुमे का दिन आया, आप मिंबर पर तशरीफ फरमा हुए खुतबा देने के लिए, तो वो दरख्त रोने लगा। रिवायात में है इस तरह रो रहा था जिस तरह छोटा बच्चा रोता है, धाड़े मार मार कर रो रहा था। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उतरे, उतरने के बाद जाकर उसको अपने सीने के साथ लगाया और उसे इस तरह चुप करा रहे थे, कमा युसक्कतु सबी, जिस तरह छोटे बच्चे को चुप कराया जाता है, इस तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे खामोश करा रहे थे, चुप करा रहे थे। फिर वो चुप हो गया, खामोश हो गया। उसके बाद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा देने के लिए फिर मिंबर पर तशरीफ लाए। तो हर एक चीज में अल्लाह ताला ने सुनने की भी ताकत रखी है, बोलने की भी ताकत रखी है। इसीलिए कुरान में है, वइन मिन शैइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दिही वलाकिन ला तफ़क़हूना तस्बीहहुम, कि हर एक चीज अल्लाह की तस्बीह बयान करती है, वलाकिन ला तफ़क़हूना तस्बीहहुम, लेकिन तुम उनकी तस्बीह को समझते नहीं हो। कुल्लु शैइन कुल्लुन क़द अलिमा सलातहु व तस्बीहहु, हर एक चीज ने अपनी नमाज और अपनी तस्बीह को जान लिया। हर एक चीज नमाज भी पढ़ती है, हर एक चीज अल्लाह की तस्बीह बयान करती है। तो इससे मालूम हुआ हर एक चीज में अल्लाह ने सुनने की सलाहियत रखी है, हर एक चीज में बोलने की सलाहियत भी रखी है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रास्तों से गुजरते थे, दरख्त आपको सलाम करते थे, पत्थर आपको सलाम किया करते थे। तो अल्लाह फरमा रहे, वअज़ीनत लिरब्बिहा, ये आसमान अपने रब के हुक्म को सुन लेगा, वहुक्कत, और उसके लायक यही है, और उसके लिए ये बात साबित कर दी गई है कि वह अपने रब के हुक्म को सुन ले, और ये अपने रब का हुक्म सुनेगा और फट जाएगा। अल्लाह हुक्म देगा, अभी अल्लाह का हुक्म इसके लिए यह है कि फटना नहीं है, कायम रहना है, तो ये कायम है इस वक्त। जब अल्लाह का हुक्म आएगा ये फट जाएगा, अल्लाह के हुक्म को सुन लेगा, बीच से फटना शुरू होगा, किनारों की तरफ चला जाएगा और फट जाएगा, रेजा रेजा हो जाएगा। वह इज़ल अर्दु मुद्दत, और जिस वक्त के जमीन को फैला दिया जाएगा, वह इज़ा, और जिस वक्त अल अर्दु जमीन को मुद्दत फैला दिया जाएगा। रिवायात में है कि जमीन रबड़ की तरह हो जाएगी, और जिस तरह रबड़ को खींचकर फैला दिया जाता है, इस तरीके से जमीन को कयामत के दिन फैला दिया जाएगा। पहले ये जमीन दरहम बरहम हो जाएगी, और उसके बाद फिर अल्लाह ताला एक नई जमीन बनाएंगे जो गोया रबड़ के मानिंद होगी, उसको खींच दिया जाएगा और फैला दिया जाएगा, और इस तरह फैला दिया जाएगा कि उसके ऊपर कोई पहाड़, कोई टीला, कोई दरख्त, कोई इमारत, कुछ भी नहीं होगा। कान सफ सफा, वो एक चटियल मैदान होगा। ला तराफी है इवजों वाला अमता, तो उसमें ना कोई टेढ़ मेढ़ देखेगा, ना कोई टीला पहाड़, कोई चीज उसके अंदर नहीं होगी, बिल्कुल चटियल मैदान होगा। इस तरह जमीन को फैला दिया जाएगा। फिर क्या होगा, वअल्कत माफीहा वतखल्लत, वअल्कत माफीहा वअल्कत, और जमीन डाल देगी, निकाल देगी, माफीहा, उन तमाम चीजों को जो जमीन के अंदर है, वतखल्लत, और ये खाली हो जाएगी, जो कुछ जमीन में है सब निकाल देगी। जमीन में क्या है, जमीन के अंदर अल्लाह ने बड़े खजाने रखे हुए हैं, बहुत चीजें अल्लाह ने जमीन के अंदर रखी हुई हैं, और आहिस्ता आहिस्ता वो सारी चीजें जमीन निकाल रही है। इंसानों की जरूरियात की जितनी चीजें हैं सब अल्लाह ने जमीन के अंदर रखी हुई है। अगर आप कहें कि आज से 100 साल पहले गैस का कहीं नामो निशान नहीं था, लेकिन अब गैस निकल आई, उससे पहले चले जाएं तेल और पेट्रोल के बारे में लोगों को मालूम नहीं था, ये निकलाया जमीन से, एक एक चीज जमीन से निकलती जा रही है। जैसे ही इंसानी आबादी बढ़ती जा रही है, अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से इंसानों की जिंदगी गुजारने के जो सामान हैं उनके अंदर फरावानी होती जा रही है, और वो बढ़ते चले जा रहे हैं। ये गलत है जो ये कहते हैं कि इंसानी आबादी बढ़ जाएगी जी, फिर उसके बाद कहां से खाएंगे, कहां से पिएंगे। नहीं, ये झूठे हैं जो इस तरह की बात कहते हैं। परवरदिगार ने अपने जिम्मे लिया हुआ है रिस्क और रोजी को, वमा मिन दाबतिन फिल अर्ज इल्ला अलल्लाह रिस्कुहा, कि हर एक चीज की रोजी किसके जिम्मे है,
अल्लाह के ज़िम्मे है, और हम तो इंसान हैं, हमारी रोज़ी कितनी थोड़ी सी है, अल्लाह की इतनी बड़ी बड़ी मखलूक है कि जिनकी रोज़ी का अंदाज़ा ही नहीं लगाया जा सकता है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जब दावत करना चाहा मखलूक की, अल्लाह से इजाज़त ली, अल्लाह ने फरमाया आप दावत नहीं कर सकते। कहा नहीं या अल्लाह, मेरा जी चाहता है मैं दावत करूँगा। अल्लाह ने फरमाया ठीक है चलो फिर करो तैयारी। महीनों तक खाना तैयार किया गया, जिन्नात को लगा दिया, इंसानों को लगा दिया, खाना तैयार करो, और कई महीनों तक खाना तैयार करते रहे। हवा को हुक्म दिया कि इसको ख़राब नहीं होने देना है। हवा को अल्लाह ताला ने उनके मातहत किया था, हवा उनका हुक्म मानती थी। अब हवा उसको ठंडा रख रही है, जिस तरह फ्रिज के अंदर किसी चीज़ को रखा जाता है, इस तरीके से ख़राब नहीं होगा। जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने अंदाजे के मुताबिक इतना खाना तैयार कर लिया जो सारी मखलूक के लिए काफ़ी होगा, अपनी सोच और अपने अंदाजे के मुताबिक, अब आप बताइए वो कितना खाना होगा, हम उसका अंदाजा लगा सकते हैं? नहीं। इतना खाना उन्होंने तैयार किया, उसके बाद परवरदिगार से ये अर्ज किया कि बारी ताला खाना तैयार हो गया है, अब अपनी मखलूक को हुक्म दीजिए वो आए और आकर मेरी दावत को कबूल करें। अल्लाह ने फरमाया किस मखलूक से इब्तिदा कराएं, बर्री या बहरी? फरमाया अल्लाह आपकी मर्जी है, चाहे बहरी से कराएं चाहे बर्री से कराएं। तो बहरी मखलूक को अल्लाह ने हुक्म दिया, एक मछली निकल कर आई। कितनी? एक मछली। जितना खाना हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने सारी मखलूक के लिए तैयार किया था वो अकेली ही खा गई, वो सारा खाना खा गई। और उसके बाद कहने लगी सुलेमान आज तो मैं भूखी रह गई हूं, और लाओ, मेरा परवरदिगार तो मुझे इससे ज्यादा तीन वक्त में खिलाता है, आज तो मैं भूखी रह गई आपके दस्तरखान पर आकर। तो कितनी बड़ी बड़ी अल्लाह की मखलूक है, कितनी बड़ी बड़ी मछलियां हैं, इतने बड़े बड़े जहाज चलते हैं, बस थोड़ी सी वो इस तरह अपनी करवट लेती है तो जहाज पूरा गर्क हो जाता है। इतनी बड़ी बड़ी अल्लाह की मखलूक है, सबको अल्लाह खिलाता है। तो चाहे कितने इंसान हो जाए, सबके खाने की जिम्मेदारी किसने ली है? अल्लाह ने ली है। ये झूठे हैं जो कहते हैं आबादी बढ़ जाएगी फिर कहां से खाएंगे, इसलिए हम दो हमारे दो का नारा लगाते हैं, ये नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। परवरदिगार खजाने खोल देता है। यहां जो हमारे इस इलाके के अंदर लोग रहते हैं, वो खुद आप उनसे पूछें बताएं कि आज से 30 साल पहले उनके हालात कैसे थे, यहां पीने का पानी नहीं था, दूर दूर से लाना पड़ता था, इसी तरीके से खाने के लिए भी कोई ज्यादा नहीं था, कहीं हफ्ते में एक आध मरतबा चावल बनाया करते थे, बाकी रोटी ही खाते थे, खाने की चीजों की फरावानी नहीं थी, दूसरी चीजें नहीं थी। लेकिन जैसे ही आबादी बढ़ गई तो सारी चीजें आ गई। उस वक्त मुशक्कत उठाते थे, खेती लगाते थे और दिन भर उसमें काम करते रहते थे, अब वो दिन भर काम करने का मसला वो भी नहीं रहा, वो मुशक्कत वाली, अब कौन खेती लगा रहा है? पूरे इलाके में आप घूम कर देख ले, है कहीं पर खेती लगा ही नहीं रहे, लेकिन तब भी अल्लाह खिला रहा है और पहले से ज्यादा खिला रहा है। तो जितनी आबादी बढ़ेगी उतनी ही सामान जीस्त, जो जिंदगी गुजारने का सामान है, उसके अंदर फरावानी होती जाएगी, वो कम नहीं होगा, कमी उसके अंदर नहीं आएगी। ये अल्लाह के खजाने हैं, अल्लाह ने जमीन के अंदर रखे हैं और जमीन अपने खजानों को निकाल रही है, उगल रही है। हजरत मौलाना मुफ्ती अब्दुल गनी अजहरी साहब जीद मुजदहुल आली, अल्लाह उनकी उम्र में बरकत अता फरमाए, बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, 100 के करीब या उससे ऊपर ही उनकी उम्र होगी। वो बयान करते हैं कि मैंने उस वक्त हज किया है जब मक्कतुल मुकर्रमा से मदीना की तरफ सफर होता था ऊंटों पर होता था, रास्ता नहीं था, सड़क नहीं थी, मक्का से मदीना की तरफ सड़क नहीं जाती थी, उस वक्त उन्होंने वहां सफर किया है, ऊंटों पर सफर किया है। और आज वहां देखें जाकर आज क्या अहवाल और हालात हैं, जैसे आबादी बढ़ती जा रही है, अल्लाह ताला की तरफ से जो सामान जिंदगी है उसके अंदर भी फरावानी होती जा रही है और आसानी से आसानी अल्लाह की तरफ से आती जा रही है। तो वह अलकत ना फीहा, जो कुछ जमीन में है ये निकाल दी और आहिस्ता आहिस्ता अपने खजानों को निकाल रही है, और जब कयामत करीब आएगी उस वक्त जमीन अपने सारे खजानों को निकाल देगी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का जब नुजूल होगा, उनके नुजूल के बाद जमीन अपनी सारी बरकतों को निकाल देगी, सारी बरकतें जमीन के ऊपर आ जाएंगी। और अहदीस में है उस वक्त ऐसा होगा कि एक अनार इतना बड़ा होगा कि एक पूरी जमात उस अनार को खाएगी और शिकमशेर हो जाएगी, और अनार का जो ऊपर का छिलका है उसका छाता बनाकर आदमी चलेगा,
इतने बड़े बड़े अनार होंगे, जमीन अपने सारी बरकतों को जाहिर कर देगी। अल्लाह ने इसके अंदर बहुत कुछ रखा है। वह अलकत माफिया, और फिर जब कयामत कायम होगी, सूर के अंदर फूंका जाएगा, उस वक्त जितनी चीजें जमीन के अंदर है सब की सब बाहर आ जाएंगी, जितनी चीजें हैं सब बाहर आ जाएगी, सब कुछ जमीन ऊपर उगल देगी, ऊपर निकाल देगी, और फिर सारी चीजें फना हो जाएंगी, सब तबाह और बर्बाद हो जाएंगी। फिर दूसरी मर्तबा जब सूर के अंदर फूंका जाएगा, फिर जमीन को दोबारा बनाया जाएगा, और ये जमीन बिल्कुल चटियल मैदान की तरह होगी। उस वक्त जमीन के अंदर जितने भी इंसान हैं उन तमाम इंसानों को जमीन बाहर ले आएगी। अलम नजअल अर्द किफाता अहया व अमवाता, हम पीछे पढ़कर आए सूरह मुरसलात में, क्या हमने जमीन को ऐसा नहीं बनाया कि वो समेट रही है जिंदों को भी और मुर्दों को भी, सब जमीन के अंदर जा रहे हैं, जिंदे ऊपर हैं इसके अपनी पुश्त पर उनको लिए हुए हैं, और जो मुर्दे हैं उनको अपने अंदर लिए हुए हैं, और कयामत के दिन सब मुर्दे हो जाएंगे, उसके बाद जमीन सबको बाहर ले आएगी। वतखल्लत, और खाली हो जाएगी, इसके अंदर कोई बाकी नहीं रहेगा, सबको निकाल देगी। व अजीनत ले रब्बी हा व हुक्कत, वह अजीनत ले रब्बी हा, और वह अपने रब के हुक्म को सुन लेगी। वह हुक्कत, और उसके लिए ये बात साबित कर दी गई है, यही उसके लायक है कि वह अपने रब का हुक्म सुन ले या अपने रब का के हुक्म की नाफरमानी नहीं कर सकती है। इंसान अपने रब का नाफरमान होता है, लेकिन जमीन अपने रब की नाफरमानी नहीं करेगी। जैसे अल्लाह इसको हुक्म देगा वैसे ही ये करेगी। ये बयान किया कयामत का मंजर, उसके बाद फिर इंसानों को मुतनब्बे किया, या अय्युहल इंसान, ए इंसान, या अय्युहल इंसान, ए इंसान, इन्नका, बेशक तू, कादिहुन, तकलीफ उठाने वाला है, इला रब्बिका, अपने रब की तरफ, कदहन, तकलीफ उठाना, तू अपने रब की तरफ तकलीफ उठाता हुआ चल रहा है, तू अपने रब की तरफ तकलीफ उठाता हुआ चल रहा है, दौड़ रहा है अपने रब की तरफ, और तकलीफ पे तकलीफ सह रहा है। हर इंसान दुनिया के अंदर तकलीफ उठाने वाला और मुशक्कत को बर्दाश्त करने वाला है, पैदाइश से लेकर मरने तक तकलीफ ही तकलीफ में है, मुशक्कत ही मुशक्कत में है, अलबत्ता रुख अलग अलग है, कोई दुनिया के लिए तकलीफ उठाता है, कोई आखरत के लिए तकलीफ उठाता है, कामयाब वो है जो आखरत के लिए तकलीफ उठाए। तकलीफ हर एक ने उठानी है, मुशक्कत में हर एक को जिंदगी बसर करनी है। किसी भी इंसान को आप पूछ लें कि आपकी क्या, आपकी जिंदगी कैसी गुजर रही है, हर आदमी कुछ ना कुछ अपनी शिकायत दर्ज कराएगा, हर आदमी कहेगा कि मैं परेशानी में हूं, कोई ऐसा आपको नहीं मिलेगा जो कहे कि मुझे कोई तकलीफ नहीं है। हर आदमी तकलीफ और मुशक्कत को उठा रहा है, लेकिन रुख अलग अलग है, कोई आखरत की तकलीफ और मुशक्कत उठाने में लगा हुआ है, और फिर वो आगे आराम करेगा, और कुछ ऐसे हैं जो दुनिया के लिए तकलीफ और मुशक्कत उठा रहे हैं, वो यहां भी मुशक्कत में और आगे जाकर भी मुशक्कत में होंगे, परेशानी में होंगे, वहां भी उनको राहत और आराम नसीब नहीं होगा। तो या अय्युहल इंसान, ए इंसान, इन्नका, बेशक तू, कादिहुन, तकलीफ उठाते हुए, इला रब्बिका, अपने रब की तरफ चल रहा है, तकलीफ उठाते हुए अपने रब की तरफ दौड़ रहा है, चलता जा रहा है, तेरी जिंदगी का जो जो लम्हा गुजर रहा है ये तुझे तेरे रब से करीब करता जा रहा है, और पीछे तेरी दुनिया का जो सिलसिला है वो पीछे और दूर होता चला जा रहा है। बिल्कुल ऐसे जैसे एक इंसान सफर पर चलता है, मिसाल के तौर पर उसको यहां से सफर करना है दिल्ली तक, तो जितना वो आगे चलेगा इतना ही उसकी पीछे की मंजिल वो दूर होती जाएगी और आगे की मंजिल उसकी करीब होती जाएगी। इसी तरीके से हमारी जिंदगी है, एक वक्त वो था जिस वक्त हमारी पैदाइश हुई, हम मां के पेट में थे, वहां से बाहर आए, दुनिया के पेट में आ गए, अब दिन दिन गुजरता जा रहा है और हम आगे अपनी मौत के करीब होते जा रहे हैं, अपने रब की मुलाकात के करीब होते जा रहे हैं। इसी बात को हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने इन अल्फाज के जरिए से समझाया, और ये अल्फाज उनके अपने नहीं है बल्कि उन्होंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुने हैं। इरतहलत दुनिया मुदबिरतन वरतहलत आखिरत मुकबिलतन, कि दुनिया तुमसे पीठ फेर के जा रही है और आखिरत अपना चेहरा किए हुए तुम्हारी तरफ आ रही है। वलिकुल्ली वाहिद मिनहुमा बुनून, और उन दोनों में से हर एक
مالک کے بیٹے ہیں، کونو من ابناء الاخرہ ولا تکونو من ابناء الدنیا، دنیا کے لیے بھی بیٹے ہیں اور آخرت کے بھی بیٹے ہیں، تم آخرت کے بیٹے بننا، ولا تکونو من ابناء الدنیا، دنیا کے بیٹے نہیں بننا۔ بیٹے ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کہ جو آدمی آخرت کی تیاری میں لگا ہوا ہے وہ آخرت کا بیٹا ہے، اور جو دنیا کے لیے کر رہا ہے اپنی پوری کوشش اور پوری محنت، دنیا کمانے میں لگا ہے، یہاں کے راحت اور آرام کو، عیش و عشرت کو حاصل کرنے میں لگا ہوا ہے، وہ آدمی گویا دنیا کا بیٹا ہے، آخرت کا نہیں ہے۔ اور جو اپنے آپ کو تھکا رہا ہے کس کے لیے؟ آخرت کے لیے، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے اور وہاں آگے کی راحت اور آرام کو پانے کے لیے، اپنی قبر کو روشن کرنے کے لیے، اپنی قبر کے اندر راحت کا انتظام کرنے میں وہ لگا ہوا ہے، وہ نمازوں کی پابندی کر رہا ہے، وہ روزے رکھ کے اپنے رب کو راضی کر رہا ہے، وہ صدقہ اور خیرات کر کے اپنے لیے سرمایہ اکٹھا کر رہا ہے، جمع کر رہا ہے، اللہ کے بینک کے اندر جمع کرا رہا ہے، یہ انسان آخرت کا بیٹا ہے، آخرت کا بچہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہر ایک کے بچے ہیں، ہر ایک کے بیٹے ہیں، کونو من ابناء الاخرہ، تم آخرت کے بچے بننا، ولا تکونو من ابناء الدنیا، دنیا کے بچے نہ بننا۔ اور پھر فرمایا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یاد رکھو کہ فَإِنَّ الْيَوْمَ عَمَلٌ وَلَا حِسَابَ، آج اليوم عمل ولا حساب، آج یعنی دنیا کی زندگی، اس میں عمل ہے، حساب نہیں ہے، یہ دار العمل ہے، یہاں عمل کرنے کے لیے اللہ نے کہا ہے، فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو چاہے مومن بن جائے، جو چاہے کافر بن جائے، جو چاہے اپنے رب کو راضی کر لے اور جو چاہے اسے ناراض کر لے، دونوں اختیار اس نے دے دیے ہیں، لا اکراہ فی الدین، کوئی کسی کے اوپر زور زبردستی نہیں ہے، دونوں اختیار پروردگار نے تمہیں دے دیے ہیں، اور حساب یہاں کوئی نہیں ہے۔ وغدن، اور کل، حساب ولا عمل، کل قیامت میں حساب تو ہوگا لیکن عمل وہاں پر نہیں ہوگا، اس لیے اس دن کو یاد رکھنا۔ وہاں آدمی چاہے گا اب میں عمل کروں، اللہ سے درخواست کرے گا، ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا، اے ہمارے پروردگار، ابصرنا، اب ہم نے دیکھ لیا، وسمعنا، اور سن لیا، فرجعنا، اب ہمیں ایک مرتبہ لوٹا دیجئے، نعمل صالحا، اب ہم نیک کام کر کے آئیں گے، اچھے اچھے کام کر کے آئیں گے۔ لیکن کسی کو لوٹایا جائے گا؟ کسی کو واپس بھیجا جائے گا؟ کسی کو واپس وہاں سے نہیں کیا جائے گا۔ اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات سمجھائی کہ انسانوں، آج عمل کا وقت ہے، عمل کر لو، اپنے رب کو راضی کر لو، اس روٹھے ہوئے پروردگار کو منوا لو، وہ بہت جلدی مان جاتا ہے، بس تمہارے آنے میں دیر ہے، اس کے معاف کرنے میں کوئی دیر نہیں ہے، وہ پروردگار تمہیں فوراً معاف کر دے گا، آؤ اور آ کر اس کو راضی کر لو، وہ فوراً راضی ہو جاتا ہے، وہ ناراض نہیں رہتا ہے، وہ خود کہتا آؤ آؤ، آ کر مجھ سے مانگو، یا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، میرے ان بندوں سے کہہ دیجئے جنہوں نے گناہ کر کر کے اپنی جانوں پر ظلم کر رکھا ہے، زیادتی کر رکھی ہے، کہ وہ آ جائیں اور آ کر مجھے منوا لیں، راضی کر لیں، بس میں ان کے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، وہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہوں، مایوس نہ ہوں، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، آ جاؤ، آ کر اس کو منوا لو۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ تو اپنے رب کی طرف دوڑتا چلا جا رہا ہے، فملاقی، تو انقریب اس سے ملاقات کر لے گا، اس سے بچ نہیں سکتا ہے، ملاقات ضروری ہے اس سے، لیکن ملاقات کا سامان ساتھ لے کر جانا۔ فملاقی فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِ، اب رب کے دربار میں حاضری ہو گئی، پہنچ گیا، اس کے بعد حساب کتاب ہوا، ہر ایک کا رزلٹ اس کو دے دیا گیا، اس کے ہاتھ میں تھما دیا گیا، کسی کے دائیں ہاتھ میں اور کسی کے بائیں ہاتھ میں۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِ، تو رہا وہ انسان، وہ آدمی، من اوتیا، جس کو دیا گیا، کتابہ، اس کا نام اعمال، بیمینہ، اس کے دائیں ہاتھ میں۔ اللہ ہمیں دائیں والوں میں سے بنائے، اللہ ہمارا نام اعمال ہمیں دائیں ہاتھ میں دلائے۔ فسوف یحاسب حسابا یسیرا، فسوف یحاسب حسابا یسیرا، تو اس سے آسان حساب لیا جائے گا،
और आसान हिसाब क्या है? आसान हिसाब ये है कि आदमी से पूछा ही ना जाए कि क्या करके आया, क्या लेके आया, सीधा बस उसको कह दिया जाए चल जन्नत में। उससे ये कह दिया जाए या अय्यतुह नफ्सुल मुतमइन्ना इरजी इला रब्बिकी राज़ियतन मर्ज़िया फ़ादखुली फ़ी इबादी वादखुली मिन जन्नती। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर इरशाद फरमाया कि जिसका हिसाब किताब शुरू हो गया बस वो तो बर्बाद हो गया। तो हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर आसान हिसाब का क्या मतलब है? हम तो ये समझ रहे हैं हिसाब हर एक का होगा, किसी का आसान और किसी का मुश्किल होगा। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया आसान हिसाब किताब का मतलब यह है कि हिसाब लिया ही ना जाए, बगैर हिसाब किताब के उसे जन्नत में भेज दिया जाए। और वमन नूकिश फकद हलाक, जिससे पूछगछ शुरू हो गई बस वो तो हलाक हो गए, वो नहीं बच सकेगा। अल्लाह हमें उनमें शामिल फरमाए जो बगैर हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल होंगे। फसौफ युहासबु हिसाबन यसीरा, तो उससे आसान हिसाब लिया जाएगा। वयनकलिबु इला अहलिही मसरूरा, वयनकलिबु और वो लौटेगा इला अहलिही अपने अहल की तरफ, अपने अयाल की तरफ, मसरूरा खुशी खुशी, या अपने अपने अहलो अयाल की तरफ, अपने रिश्तेदारों की तरफ खुशी खुशी लौट रहा होगा। जिस तरीके से वो बच्चा होता है जो इम्तिहान में अच्छे नंबरात लेकर पास हो जाता है, जब उसका रिजल्ट आता है फिर वो रिश्तेदारों को अपना रिजल्ट दिखाता है और बताता है देखो मेरे कितने अच्छे नंबर आए हैं, मालूम है इतने अच्छे नंबर क्यों आए, मैं रातों को जागता था, मैं मेहनत करता था, मुझे पता था कि मेरा इम्तिहान होना है, मैंने इम्तिहान की तैयारी की और फिर जब मेरा इम्तिहान हुआ मैं पूरा पर्चा अच्छे तरीके से लिख कर आया था, आज मेरा रिजल्ट मेरे सामने आ गया है। पीछे हम पढ़ चुके सूरह हाका में वो लिए फिरेगा और कहेगा हाउ मुकरा किताबिया इन्नी ज़नंतु अन्नी मुलाकिन हिसाबिया, कि ये लो मेरा नामा आमाल, मेरा रिजल्ट पढ़ो, इसलिए कि मुझे दुनिया के अंदर यकीन था मुझे एक दिन हिसाब किताब देना है। तो ये अपने अहल की तरफ, अपने रिश्तेदारों की तरफ खुशी खुशी लौटेगा और हर एक को दिखाता फिरेगा। वअम्मा मन ऊतिय किताबहु वरा ज़हरी, और रहा वो आदमी जिसका नामा आमाल उसकी पीठ के पीछे से उसको दिया जाएगा, बाएं हाथ में दिया जाएगा। सूरह हाका में है बिशिमाली बाएं हाथ में, और फिर यहां बताया पीठ के पीछे से, यानी उसकी शक्ल देखना भी फरिश्ते गवारा नहीं करेंगे बल्कि पीठ के पीछे से दिया जाएगा। और मुफस्सिरीन ने लिखा है यहां उसको सुराख मारा जाएगा, यहां से हाथ पीछे निकला हुआ होगा और वहां उसको उसका नामा अमाल हाथ में थमाया जाएगा। उस वक्त क्या होगा? फसौफ यदउ सुबूरा, तो वो पुकारेगा मौत को कि हाय मौत मौत मौत, मुझे मौत आ जाए। या लैता कानतिल काज़िया, ये कहेगा हाय काश मौत ही मेरा काम तमाम कर दे। कभी कहेगा वलम अद्रिमा हिसाबिया, हाय मुझे पता ही ना चलता कि मेरा हिसाब किताब है क्या। वलम ऊतक किताबिया, और मुझे मेरा नामा अमाल दिया ही न जाता, इस तरह की तमन्नाएं करेगा। कभी कुछ कभी कहेगा या लैतनी कुंतु तुराबा, हाय काश मैं मिट्टी ही हो गया होता। तरह तरह की तमन्नाएं करेगा, आरजुएं करेगा, लेकिन उसकी वो तमन्नाएं और आरजुएं कुछ भी पूरी नहीं की जाएंगी। उस वक्त पछताएगा, लेकिन वहां का पछताना कुछ भी काम नहीं आएगा। तो मेरे ईमानी भाइयों, अल्लाह ने आज हमें यहां मौका दिया है कि हम अपने रब को राजी कर लें, उसके हुक्मों को पूरा कर लें, ताकि हमारा नामा आमाल हमारे दाएं हाथ में आ जाए और बाएं वालों में बनने से हम बच जाएं। अल्लाह से दुआ करें अल्लाह तबारक व तआला हमें अपनी किताब की समझ और फहम अता फरमाए और दाएं वालों में अल्लाह हमें शामिल फरमाए और बाएं वालों में होने से अल्लाह हमारी और हमारी नस्लों की अल्लाह हिफाजत फरमाए। सुबहानअल्लाह व बिहम्दिही सुबहानकअल्लाहुम्मा।